नमस्कार दोस्तों, आपने कुंडली मिलान के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो जब भी कुंडली मिलान करते हैं भारतीय ज्योतिष के अनुसार, जो पराश्री ज्योतिष है, आजकल उसको वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं, उसके अंदर लड़के और लड़की दोनों की जन्म कुंडलियां देखी जाती हैं। जन्म कुंडली से अधिक ये जरूरी होता है कि लड़के या लड़की का चंद्रमा कौन सी राशि या कौन से नक्षत्र में, बाकी ग्रह से कोई लेना देना होता ही नहीं। तो सिर्फ हमें चंद्रमा का नक्षत्र देखना होता है, तो इसमें आठ मिलान है, इसको कहते हैं अष्टकूट मिलान। तो ये चंद्रमा की राशि या चंद्रमा के नक्षत्र पर ही निर्भर करता है। तो लड़का और लड़की दोनों के नक्षत्र देखना होता है। और जो ये योनि मिलान है, जो मैंने पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने लड़के का नक्षत्र देखना है, लड़की का नक्षत्र। तो कैसे करना है समझ लीजिए। लड़के का जो नक्षत्र है वो है पूषा, शीप। तो इसका मतलब इसके सामने पूषा के सामने शीप लिखा है, तो पूषा कृतिका दोनों के आगे शीप लिखा है। इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति पूषा या कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ, उसकी जो योनि है वो शीप यानी कि भेड़ जैसी। और समझिए लड़की है, उसका हस्त नक्षत्र, तो उसकी जो योनि है वो बफेलो मतलब भैंस जैसी। अब एक लड़का और लड़की हमारे पास कुंडली मिलान के लिए आए, तो हमने सिर्फ उसका नक्षत्र देखा। एग्जाम्पल दोबारा से ले लेते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप लायन, और ये हो गया बफेलो। तो लड़के का समझ लो विशाखा नक्षत्र, लड़की का समझ लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र। अब दोनों का जो योनि है, एक की लायन की तरह होगी, सिंह की तरह, एक की भैंस की तरह होगी, तो दोनों आपस में दुश्मन हो गए। तो इसका मतलब इस मिलान में जीरो नंबर मिलेगा। अब मैं एक आम बात कहता हूँ, आम बात नहीं मतलब एक ज्यादातर बात कहता हूँ, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। अब ये मैं किस लिए कहता हूँ, बड़ी सीधी समझने वाली बात है कि देखिए ये नक्षत्र 14 नक्षत्र मैंने यहाँ लिखे हैं, 13 यहाँ लिखे हैं, कि अश्विनी सप्तदिशा हो नक्षत्र, तो जैसा वो मानते हैं योनि मिलान के अंदर, तो उसकी घोड़े जैसी होनी होगी, भरनी रेवती नक्षत्र तो हाथी जैसी होगी, पूषा कृति का होगी तो भेड़ जैसी होगी इत्यादि। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए या बाथरूम में चले जाइए, आप देख लीजिए किसी की भी योनि इस टाइप से नहीं हो सकती। बड़ी अजीब सी बात है, इनको कैसे पता चला ये? तो मेरा कहना का मतलब है, जिसने भी ये अष्टकूट मिलान मिलाया है वो कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस की श्रेणी में आ गए। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात ही नहीं है कि एक किसी की योनि कुत्ते जैसी होगी, किसी की बिल्ली जैसी, किसी की चूहे जैसी, और एक की कुत्ते वाली होगी, एक की चूहे वाली होगी, तो या कुत्ते की होगी, एक की बिल्ली की होगी, तो दोनों आपस में दुश्मन हो गए, तो दोनों की योनि कंपेटिबिलिटी नहीं मिली। अब कॉमन सेंस की बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात है, व्हाट दे आर गोइंग टू से इज कि सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये समझ लेते हैं कि जिन्होंने ये बनाया, लगता है उन्होंने कभी विवाह नहीं किए, और लगता है उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर समय नष्ट किया। क्यों? सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी या फिजिकल कंपेटिबिलिटी जैसी चीज, नाम की चीज होती है ही नहीं, वो डिपेंड करती है आपकी मेंटल कंपेटिबिलिटी। अगर आप में पुरुष स्त्री में प्रेम है तो फिजिकल कंपेटिबिलिटी अपने आप बन जाएगी, दैट इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस। मेजर इम्पॉर्टेंस इज एक्चुअल में जो इम्पॉर्टेंस है वो है आपके नेचर में कंपेटिबिलिटी है, नहीं आप आपस में प्रेम एक दूसरे को करते हैं। अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में प्रेम है, दोनों वेकेशन पे छुट्टी बच गए, होटल में गए, खाना ना खाया, घर में आए, दे हैव अ कंपेटिबिलिटी इन माइंड, खुशी खुशी आए, घूमे फिरे, सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। अगर आप में प्रेम नहीं है तो चाहे आपकी कंपेटिबिलिटी जैसे मर्जी बनती हो, जैसे वो जैसे बताएंगे कि भाई हाथी और बिल्ली इसमें कोई आपस में कोई एनिमिटी नहीं है तो कंपेटिबिलिटी बन गई, ऐसे थोड़ा ना होगा कि नेचर की कंपेटिबिलिटी बनी नहीं और फिजिकल कंपेटिबिलिटी बन जाएगी, ये हो नहीं सकता। तो आपने जब भी मिलान करना है फिजिकल कंपेटिबिलिटी का, तो ये मेथड
नहीं यूज करना, आपने देखना नेचर कंपेटिबिलिटी है, यानी नेचर कंपेटिबिलिटी होगी तो फिजिकल कंपेटिबिलिटी अपने अपने आप आ जाएगी। धन्यवाद।